मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल व अन्य उपकरण का वितरण कर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जिले के सभी हाई स्कूल इंटर कॉलेज में पॉलिटेक्निक चलो अभियान चलाने का दिया जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने निर्देश। चिल्वाताल थाना क्षेत्र के मानीराम में ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। छुट्टा व जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए किसानों ने पूर्व विधायक के नेतृत्व में दिया धरना, अलग मंत्रालय बनाने का किया मांग। एंटी रोमियो अभियान में दर्जन भर युवकों को महिला पुलिस ने सिखाया सबक। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ चेत नारायण गुट ने दिया धरना। 10 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभु नाथ ने ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कराने का दिया निर्देश। शासन ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को तत्काल बकाया लोन की वसूली का दिया दिशा निर्देश। शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत 2 अभियुक्तों को पुलिस ने दबोचा, 1 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस किया बरामद। रेलवे ने शुरू किया उचित मूल से अधिक पैसा लेने वेंडरों के विरुद्ध व्यापक धर पकड़ जांच अभियान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया स्वयं सिद्ध 2018 के तहत कई प्रतियोगिता का आयोजन। पूर्वोत्तर रेलवे के फ्री बीइंग में कार्यक्रम एवं स्काउट दीक्षा संस्कार का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। और गोरखपुर में पहली बार हुआ गोयल गोत्री अग्रवंशियों की कुल देवी श्री खेमी शक्ति दादी जी का मंगल पाठ।